यूनिवर्स कितना बड़ा है? 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम में भी क्या हम जान पाए हैं कि यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है और ये खत्म कहाँ पे होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये फुटबॉल या आपका घर कितना बड़ा है, वो तो आप आसानी से मेजरमेंट के जरिए बता सकते हो, लेकिन जब बात यूनिवर्स की आती है तब ये इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये है हमारी धरती और आप जिस भी चीज़ को अपने सराउंडिंग देख रहे हो वो यहाँ पे ही एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेशन से ये पता चला है कि हमारी धरती इक्वेटर पे 24,901 माइल या 40,075 किलोमीटर जितना लेंथ है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये डिस्टेंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ट्रैवल करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो धरती हमारे लिए इतना बड़ा है वो असल में यूनिवर्स के मुकाबले कितना बड़ा है? तो शुरू करते हैं हमारे नेचुरल सैटेलाइट मून से। नॉर्मल आँखों से देखने में चांद हमें सबसे बड़ा और धरती के सबसे नज़दीक लग सकता है, लेकिन रियलिटी में चांद हमसे 384,000 किलोमीटर दूर है। अगर इमेजिन किया जाए तो इस गैप में 30 और पृथ्वी आराम से फिट हो जाएगा। अगर 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से धरती से मून की ओर ट्रैवल किया जाए तो तब भी चांद तक पहुंचने में 160 दिन जितना समय लग जाएगा। इस दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन जितना है और उनमें से सिर्फ 12 ऐसे लोग थे जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। चांद से हमारी धरती कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन अगर यही धरती आप मार्स या मंगल ग्रह से देखते हो तो ये एक डॉट जितना ही दिखाई देगा। मार्स की दूरी हमारी धरती से ऑन एन एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर तक का है। ये डिस्टेंस इतना है कि लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट समय लग जाएगा, जिसका मतलब मार्स से धरती तक इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर पाना इम्पॉसिबल है। इंसान द्वारा बनाया गया स्पेस क्राफ्ट वॉयजर 1 स्पेस प्रोब, जो यूनिवर्स में अब तक सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल कर चुका है, प्रेजेंट में इसकी दूरी धरती से 141 AU जितना है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती से सूरज के डिस्टेंस का इक्वल है, जिसका मतलब वॉयजर 1 धरती और सूरज के आपसी डिस्टेंस से 141 गुना ज्यादा दूर है। अपने इस लंबे सफर में वॉयजर 1 ने पीछे मुड़ते हुए ये तस्वीर निकाली, जो देखने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन यहाँ जो ये सफ़ेद रंग का डॉट दिखाई दे रहा है वो हमारी पृथ्वी है। ये वही जगह है जहाँ पर आप, मैं और हम सभी ने जन्म लिया है और यही अपनी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन इस तस्वीर में ये डॉट देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वॉयजर 1 आज के टाइम पे 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। सुनने में ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर इसी स्पीड से वॉयजर 1 स्पेस में ट्रैवल करता रहा तो आने वाले 33,000 साल में भी ये हमारे गैलेक्सी मिल्की वे को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर हमारे सोलर सिस्टम को जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है इंटरस्टेलर नेबरहुड। यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बहुत छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर लाइट ईयर्स में डिस्टेंस मेजर किया जाता है। एक लाइट ईयर मतलब लाइट धरती के एक साल जितना समय में जितनी दूरी तय करता है। सूरज के बाद हमारी धरती से सबसे नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो धरती से 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, वहाँ तक वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट को प्रेजेंट स्पीड से पहुँचने में 70,000 साल लग जाएंगे। और जूम आउट करने पे हमारा अपना मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देगा, और इस एरिया में ये छोटा सा येलो डॉट हमारी धरती है। तो ज़रा सोचिए, हमारी धरती इस मिल्की वे के मुकाबले एक रेती के दाने जितना है। हमारी गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 10,000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, और यहाँ 10,000 करोड़ प्लैनेट्स और स्टार्स है। अब आपको लग सकता है कि फिर तो ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन रुकिए, एंटायर यूनिवर्स के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मिल्की वे को जूम आउट किया जाए तो आपको मिलेगा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसके अंदर मिल्की वे की तरह 54 गैलेक्सीज है, जिसका विस्तार एक कोने से दूसरे कोने तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लाइट ईयर्स जितनी है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है। यहाँ पर एटलीस्ट 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज पाए जाते हैं। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने की दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर्स तक का है, लेकिन यूनिवर्स तो इससे भी बड़ा है। अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है लैनिकिया सुपर क्लस्टर, जहाँ पर पिछले वर्गो सुपर क्लस्टर का साइज सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल जितना ही है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने की 52 करोड़ लाइट ईयर्स तक का है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा भाग है उस हिस्से का, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनता कि यही तक पूरा यूनिवर्स सीमित है। ये सिर्फ इतनी दूरी है जहाँ तक इंसान डिस्कवर कर चुका है, और ये जरूर हो सकता है कि पूरा यूनिवर्स इससे भी कई हजार लाखों गुना बड़ा हो। और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर हमारी धरती को एज्यूम किया गया है,
जो असल में रियलिटी नहीं है, अर्थ को सेंटर में रखते हुए हमारा यूनिवर्स दोनों तरफ 4650 करोड़ यानी टोटल 9300 करोड़ लाइट ईयर्स तक है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ों के बारे में बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से जुड़ा है। तो अब एक सवाल उठ सकता है कि क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक कंप्लीट यूनिवर्स है? असल में यूनिवर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसे अभी तक मॉडर्न साइंस देख या जान पाया है, और दूसरी तरफ द होल यूनिवर्स, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साथ साथ वो हिस्सा भी आता है जिसे अभी तक हम इंसान जान नहीं पाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक लंबी टावर पूरे दुनिया का सेंटर नहीं हो सकता, वो सिर्फ दुनिया के एक छोटे से हिस्से का सेंटर है। वो हिस्सा जिसे उस टावर पे बैठा हुआ इंसान देख सकता है, वो उसके लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और जो भी हिस्सा वो नहीं देख पा रहा है, उसका ये मतलब नहीं बनता कि उसके रीच से वो बाहर का हिस्सा एग्जिस्ट नहीं करता। यानी टावर पे बैठे उस आदमी की आंखों की पहुंच से दूर जितनी भी पोर्शंस है, वो पोर्शंस उस आदमी के लिए दी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और ये पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को मिलाकर बनता है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ऑब्जर्वेबल और दी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डिफरेंस समझ आ ही गया होगा। दूसरी तरफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से दी होल यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में 160 जितना बड़ा हो सकता है, जिस नंबर में कुछ इतने जीरोज आते हैं। हमारी धरती का साइज पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के मुकाबले उतना ही बड़ा है जितना बड़ा एक वायरस हमारे मिल्की वे के मुकाबले है। अगर पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो यूनिवर्स कितना बड़ा है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स जितना बड़ा है, और दूसरी तरफ द होल यूनिवर्स इनफाइनाइट या अनंत जिसे कहते हैं। क्या यूनिवर्स का कोई अंत या किनारा है? हाँ, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अर्थ को सेंटर ज़ूम करते हुए दोनों तरफ 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही इसका पहुंच है। तो वही 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का किनारा है और दूसरी तरफ द होल यूनिवर्स। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कोई सेंटर है? हाँ, जैसे कि पहले भी जिक्र किया गया था, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हमारी धरती को सेंटर ज़ूम किया गया है और दूसरी तरफ द होल यूनिवर्स में शायद कोई सेंटर नहीं है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूनिवर्स हर रोज फैलता चला जा रहा है और ये वक्त के साथ और भी बड़ा होता रहेगा। तो ये पूरा यूनिवर्स आपको कितना बड़ा लगता है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।